हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाबों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, शिजाउद्दौला मोहम्मद खान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1767 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिराजुद्दौला लाल किला से किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी और भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्वता की नींव डाली थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जा गया है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस नुपले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था क्योंकि वह कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया था। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, इसलिए इसको निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था, इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फारूक शेर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों भी आया था, आपने देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्राइव। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, इसको याद रखेंगे, उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? डेट बतानी है दोस्तों, किस समय प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, इसको याद रखेंगे। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब रॉय, रोहित दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी या टिपरा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, खासी। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वह खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा फ्रांसीसी सेनापति 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था? काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुपले या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काउंट लाली। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? आपके ऑप्शन है, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश को हराया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था, इसको याद रखेंगे। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? किसने जो है सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया? आपका
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मराठा। मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, जिसके संबंध में तीन आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए, और तीन तीन युद्धों के बाद मराठा शक्ति को अंग्रेजों ने दबाया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट। का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेक्टर मुंडो। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक। दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन जो चला था वो 1765 से 1772 तक चला था। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिंक? किसने डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था का सब शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सबसे पहले इन्हीं जो है डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदर अली। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने विजय प्राप्त की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध के नवाब। दोस्तों अवध के नवाब को नवाब वजीर भी कहा जाता था। इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।